मेरे चैनल मंजूस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं सत्तू की दो तरह की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मीठे और नमकीन सत्तू बना रही हूँ। सत्तू चने को रोस्ट करके बनाया जाता है। सबसे पहले नमकीन बना रही हूँ। सत्तू पीने के बहुत सारे फायदे हैं, ये वेट लॉस में भी आपका बहुत हेल्प करता है। ये काला नमक डालेंगे इसमें, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे इसमें, नींबू नींबू का रस डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऊपर से प्याज डाल देंगे इसमें, बारीक कटा हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है। नमकीन सत्तू बनकर तैयार हो गया है। ये सत्तू पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अगर वेट लॉस करना है तो इसे पी सकते हैं। सत्तू पीने से प्यास ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है, शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है। ये खाली पेट पीने से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे वेट लॉस जो करते हैं वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसे खाली पेट पीजिए तो ये बहुत फायदा करता है। ये तो बनाकर रोज दिन पीजिए, आप बहुत फायदा करेगा आपको ये नमकीन सत्तू। अब मीठा सत्तू बनाने जा रही हूँ। पानी लिए हैं ग्लास में, इसमें सत्तू डालेंगे, दो चम्मच सत्तू डालेंगे इसमें। ज़्यादा गाढ़ी पीनी है तो आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। सत्तू को अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है, लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें, तभी पीने में अच्छा लगेगा आपको। इसमें चीनी डालेंगे, मीठा सत्तू बना रहे हैं, 2 चम्मच डालेंगे तभी मीठी बनेगी। मीठा सत्तू में आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये, इसका टेस्ट बढ़ जाता है घी डालने से, बहुत टेस्टी लगेगा। हमारा 2 तरह का सत्तू बनकर तैयार हो गया है, मीठा और नमकीन, नमकीन सत्तू, मीठे सत्तू। अगर आप ठंडा ठंडा पीना चाहते हैं तो इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए, ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। सत्तू का शरबत आप भी बनाइए दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी होता है, पीना फायदेमंद होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।